दोधारी तलवार चलती हुई नजर आती है। जैसे आपने कहा कि 500 मिलियन डॉलर का कर्ज हमें मिलने वाला है, बहुत ही खतरनाक सिंह है, यानी कि अब हम तकरीबन 45,000 अरब रुपए के कर्जे में तो ऑलरेडी डूब चुके हैं और अब पुराने कर्जे उतारने के लिए जो नए कर्जे लिए जा रहे हैं। आपके यहाँ जो आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपकी चीजें महंगी हो जाएंगी, आप कैसे जो चीजें जो है ना आपकी एक्सपोर्ट कम हो जाएंगी, कैसे आप एक्सपोर्ट करेंगे जब आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट आप इतनी बढ़ा देंगे। अच्छा, दूसरी तलवार जो है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो ये कहा ये जा रहा है कि तकरीबन 5 रुपए और 90 पैसे फी यूनिट जो है वो बिजली बढ़ गई है दिया जाएगा। हाँ। अब मैंने अपने घर का बिल जो निकाल के देखा है 2.5 साल पहले वाला, उसमें मैं तकरीबन 11 रुपए फी यूनिट दे रहा था सारा टैक्सेस शामिल करने के बाद। जो पिछले हफ्ते मैंने बिल दिया है वो 28 रुपए यूनिट आ रहा है। अगर आप भी किसी मेहनत करें अपने स्टूडियो का या अपने घर का अगर बिल निकाल के देखें तो देखिए कि 2.5 साल में ये 11 रुपए यूनिट से 28 रुपए यूनिट चला गया है और अब कहा जा रहा है कि मजीद 5 रुपए 90 पैसे इसमें टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा अगर आप टैक्स में शामिल कर लें तो ये तो कहीं 30 बिल्कुल। आखिरी सवाल, क्या ये बात दुरुस्त नहीं है डॉक्टर फारूक सलीम साहब, कि अब हम उस फेज में दाखिल हो गए हैं जहां पर कर्ज हम इसलिए हासिल नहीं कर रहे हैं कि इसके जरिए हमारी जो मौशी ग्रोथ है वो बेहतर होगी, हम कर्ज सिर्फ इसलिए हासिल कर रहे हैं कि जो पिछले कर्ज हैं हमको उनको उन कर्ज को उतारना है, क्या इसके लिए अगर हम टेक्निकल डिफॉल्ट की टर्म इस्तेमाल करें तो क्या ये दुरुस्त नहीं होगा। ये सवाल बड़ा उम्दा किया आपने, जवाब भी उसका कुछ आधा जवाब भी आपने खुद से सामने में रखा। हम उसी सिमत में जा रहे हैं, बहुत ही खतरनाक सिमत है, यानी कि अब हम तकरीबन 45,000 अरब रुपए के कर्जे में तो ऑलरेडी डूब चुके हैं और अब पुराने कर्जे उतारने के लिए जो नए कर्जे लिए जा रहे हैं, आप अंदाज़ा कीजिए कि तकरीबन 2 साल पहले जितना भी टैक्स इकट्ठा किया जाता था इस मुल्क के अंदर उसका तकरीबन 40% हम अपने कर्जों के लिए सर्फ कर देते थे या मुख्तस कर देते थे। जो इस साल बजट बनाया है उसमें तकरीबन 70% हमारे टोटल टैक्सेस जो मुल्क में इकट्ठे होते हैं वो हमको देने पड़ेंगे अपने कर्जे उतारने के लिए। और इसकी प्रोजेक्शन करने जाएं तो सन 2025 जो ज्यादा दूर नहीं है, अगले 3 या 4 साल में तकरीबन 100% टैक्सेस जो हम इस मुल्क में इकट्ठे करेंगे वो सारे के सारे जो है कर्ज उतारने के लिए इस्तेमाल होंगे। अगर 100% टैक्सेस आपके कर्जों में चले जाएंगे तो उसके बाद फिर दफा का बजट, उसके बाद फिर सिविल गवर्नमेंट को चलाने का बजट, तालीम का बजट, सेहत का बजट, ये कहां से आएगा? उसके लिए हम और कर्ज लेंगे ना। नहीं, और कर्जा आपको अगर कोई देगा और 100% आप ऑलरेडी अपने टैक्सेस जो है वो कर्जों में दे रहे हैं तो आपके पास तो कोई इजाफी पैसा नहीं बचा कर्जे उतारने के लिए। आपने 100% अपने टैक्सेस जो है वो कर्जे उतारने के लिए दे दिए तो वो जो आप टर्म इस्तेमाल कर रही थी टेक्निकल डिफॉल्ट की वो अभी तो नहीं आई, लेकिन वो मुझे लग रहा है कि जिस रफ्तार से हमारे कर्जे पड़ रहे हैं अगले 3 से 4 साल में हम उस चौराहे पे भी पहुंच जाएंगे। ये तो साफ जाहिर है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिस तेजी से मुल्क में गिरी है, फॉरेन इन्वेस्टर्स का, फॉरेन सरमायाकारों का इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर बड़ी तेजी से गिर रहा है। मेरा कहना ये है कि जो हमारे अपने सरमायाकार हैं, जो हमारी अपनी इंडस्ट्री है, इस वक्त पाकिस्तान में दुनिया भर में जो कॉरपोरेट टैक्स रेट है वो बुलंद तरीन है, यानी कि तकरीबन 55% तक ये टैक्स चला जाता है। अगर आप 100 रुपया कमाई कर रहे हैं तो 55 रुपया उसमें से हुकूमत ले जाती है टैक्सेस की मद में। अब जो हमने छूट दे रखी थी कॉरपोरेट डिविडेंड के हवाले से वो 140 अरब रुपए की छूट दे रखी थी, अब वो छूट भी वापस लेने लगे हैं। तो जो मुल्क के अंदर सरमायाकार है वो तो उनके ऊपर मजीद बोझ आने वाला है तो नेचुरली सरमायाकारी वो कम करेंगे, सरमायाकारी करेंगे तो फिर आप देखिए दुनिया भर में जो भी अच्छी इकोनॉमीज चल रही हैं, चाहे वो आप अमेरिका का नाम ले लें, यूरोपियन यूनियन का काम कर लें नाम ले लें, इंग्लैंड का नाम ले लें, उनके जो सेंट्रल बैंक्स हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड हो जाए, फेडरल रिजर्व हो जाए, या जर्मनी का बुंडेसबैंक हो जाए, वो कम्प्लीटली खुद मुख्तार हैं और वो कम्प्लीटली शफाफियत के साथ काम कर रहे हैं।
हमें भी ऐसे इदारे चाहिए जो खुद मुख्तार हों, जहाँ पे सियासतदान जो है मुदाखलत ना कर पाए। तो ये पीटीआई की तरफ से या आईएमएफ की तरफ से दबाव के तहत हो रहा है या नहीं हो रहा, ये स्टेप इज इन द राइट डायरेक्शन, ये काम दुरुस्त होने चला है। सही, अच्छा लेकिन उसके इब्ज आप देखिए कि तकरीबन $900 मिलियन के टैक्स की एग्जम्पशन जो हमने अपने कॉर्पोरेट सेक्टर को दे रखी थी वो वापस ले रहे हैं, यानी कि इजाफी टैक्स है तकरीबन 140 अरब रुपए का। बिजली के हवाले से तो ये तो कॉर्पोरेट टैक्स पे तलवार चल गई, दूसरी तलवार जो है वो बिजली के सार्फिन के ऊपर चलेगी और वो तकरीबन 900 अरब रुपए का इजाफी बोझ है, यानी कि पाकिस्तान का हर सार्फ जो है बिजली का, अगर आपके घर पे आपकी दुकान पे या आपकी इंडस्ट्री में कोई बिजली का बिल लगा है, बिजली का कनेक्शन लगा है, तो इजाफी तकरीबन 60 से 65 हजार रुपए का इजाफी बिल सालाना आपको आएगा। ये इसकी 900 अरब जो इजाफी हमने मान लिया है। इसी तरह गैस कंपनीज कह रही हैं कि 105 अरब रुपया इजाफी जो है वो गैस की कीमतों में एडजस्ट किया जाए, तो समझ में ये नहीं आ रहा कि $500 मिलियन हमें मिलने चला है, 900 मिलियन इजाफी टैक्स लगाने चले हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर, कोई 6 अरब डॉलर के इजाफी बोझ है जो सार्फिन के ऊपर टलने चला है। अब इसका नतीजा, इसका पहला नतीजा ये निकलेगा कि जो सरमायाकारी है पाकिस्तान के अंदर वो बड़ी तेजी से नीचे चली जाएगी। अगर आप मजीद टैक्स डाल रहे हैं कॉर्पोरेट टैक्स कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर, अब आप कुछ लोग तो कह रहे हैं बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद ही बहुत ज्यादा जो है ना वो बहाल होने वाला है, पाकिस्तान के लिए नई क्रेडिट लाइंस खुलने वाली हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा ये जो आईएमएफ, अब जो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का जो मामला है, क्या आईएमएफ अब स्टेट बैंक से हम ये समझें कि बराह रास्त रابطे में रहेगा, उसके जरिए अपनी शरायत मनवाना ज्यादा आसान हो जाएगा, और फिर क्या हुकूमत का अब ये भी समझें कि मालियाती जो पॉलिसीज हैं उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, क्या पार्लियामेंट को ऐसी कानून साजी करनी चाहिए, ऐसा कानून मंजूर करना चाहिए कि आप एक गवर्नर को इतना ज्यादा मजबूत बना रहे हैं, गवर्नर स्टेट बैंक को, वो ताकत तो आपकी आपके प्राइम मिनिस्टर के पास भी नहीं होगी कि वो इंटरफेरेंस कर सकें ऐसे मामलात में, पूछ सकें आपसे। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देख लिया होगा पाकिस्तान ने फिर $500 मिलियन का कर्ज लिया है आईएमएफ से। पहले जो कर्ज है वो तो उतारा नहीं जा रहा इनसे और बाकी कर्ज लिए जा रहे हैं, और 45,000 अरब रुपए का पहले से कर्ज पाकिस्तान के ऊपर है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। और इन्हें अभी भी समझ नहीं आ रही कि 24 घंटे ये कॉन्ट्रोवर्सी में लगे रहते हैं किस तरीके से इंडिया के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाए। हाल तो इन्होंने ये कर लिए, दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही इनकी आवाम को, फिर भी बातें ऐसे करते जैसे ठेकेदारों पूरे इस्लामिक मुल्क के। इससे पता चलता है इनकी सोच किस तरीके की है, रियलिटी में ये लोग जिंदा नहीं रहना चाहते, ना असलियत देखना चाहते कि कहाँ इनका मुल्क पहुँच चुका है, बस भारत के खिलाफ दुश्मनी से और कश्मीर के नाम लेने से ही इनका पेट भर जाता है। और इनके साथ यही होना चाहिए था, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने 70 साल से पॉलिसी अपनाई आतंकवाद की, उसके हिसाब से इनका मुल्क डूबना ही था, और वो कगार अब वो समय आ चुका है जब इनके बिल्कुल डूबने की कगार पे खड़ा हो चुका है पाकिस्तान, और इसका बचपाना बहुत मुश्किल है। धन्यवाद फ्रेंड्स।